अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद आपसे आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एजुकेशन फोर थर्टी आई सी टी इन एजुकेशन फॉल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की असाइनमेंट नंबर वन टोटल मार्क्स इसकी फिफ्टी है इसकी इंस्ट्रक्शन में यह है कि लेट असाइनमेंट अगर आपने सबमिट करी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी और जो फाइल क्राफ्ट होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपको जीरो मार्क्स दिए जाएंगे और प्लगरिजम होगा अगर आपने अपनी असाइनमेंट किसी स्टूडेंट से कॉपी की टोटली कॉपी पेश कर ली अगर उसमें आपने चेंजिंग वगैरह ना की तो आपका आपको जीरो मार्क्स मिलेंगे ई के थ्रू भी कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी आपने अपनी असाइनमेंट असाइनमेंट uh, वाले सेक्शन से ही सबमिट करनी है उसके बाद जो असाइनमेंट हो वर्ड डॉक्यूमेंट में हो फॉन्ट कलर उसका ब्लैक हो और जो उनका फॉन्ट साइज है वो ट्वेल्व हो और जो उनकी आपने राइटिंग यूज करनी है वो टाइम्स न्यू रोमन हो तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन हमारे पास व्हाट आर टीचिंग एड्स आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन डिटेल और फोर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एड्स के बताएं कि टीचिंग एड क्या होता है और फिर आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन करें जो चार फोर प्रिंसिपल हैं टीचिंग एड्स के उनको तो सोल्यूशन मैंने लिखा है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं ए, सोलूशन फास्ट हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है टीचिंग एड्स आर टूल्स डेट एजुकेटर्स यूज टू एनहेस द एक्सपीरियंस एंड मेकिंग द टीचिंग प्रोसेस मोर अफेक्टिव दे कैन इंक्लूड अ वायरा ऑफ मटीरियल सच एज चार्ट्स, मॉडल्स मल्टी मीडिया प्रिजेंटेशफ्टवेयर टीचिंग एड्स हेल्प टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट इंगेज स्टूडेंट्स एंड फेसिलटेट बेटर अंडरस्टैंडिंग मैटर के जो टीचिंग एड होते हैं वो टूल्स होती हैं और रिसोर्स होती हैं जो एजुकेटर्स को इनहेंस करती हैं लर्निंग एक्सपीरियंस और जो उनसे टीचिंग प्रोसेस होता है उसको अफक्टिवली अच्छे से काम करे इसके लिए इसमें वैरायटी ऑफ मटेरियल होता है चार्ट्स होते हैं मॉडल्स होते हैं मल्टी मीडिया प्रजेंटेशन होती हैं जो टीचर्स को हेल्प करती हैं कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में स्टूडेंट्स के साथ इंगेज करने में और उनको बेटर फेसिलिटी एड करने के लिए तो नीचे इसके फोर प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी टीचिंग एड्स शुड बी क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड दे नीड टू प्रिजेंट इंफॉर्मेशन इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर अवॉइडिंग अननेसेसरी कंपलेक्सिटी दिस प्रिंसिपल इम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग विजुअल्स डायग्राम्स एंड एग्जैंपल डेट डायरेक्टली रिलेट टू दी लेसन वैन टीचिंग एड्स आर क्लियर दे हेल्प स्टूडेंट्स ग्रेस कॉन्सेप्ट मोर क्विकली एंड अफेक्टिवली रिड्यूसिंग कन्फ्यूजिंग एंड इनहेंसिंग कम्प्रीहेंशन फर्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ करिटी के जो टीचर्स एड्स हों वो बिल्कुल क्लियर और ईजी हो कि वो आसानी से समझ आ सकें और जो इंफॉर्मेशन प्रजेंट हो रही हो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो उसमें अननेसरी कम्पलेक्सिटी ना हो मतलब बिल्कुल उसी बात बात हो जो ईजीली किसी को भी समझ आ सके ये प्रिंसिपल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है इसमें हम वील्स लेते हैं डायग्राम्स लेते हैं एग्जांपल्स लेते हैं जो डायरेक्ट लेसन के साथ रिलेट करें आगे पीछे ना हो और ये हमें स्टूडेंट्स को हेल्प करता है जो उनका कॉन्सेप्ट जो उनकी ग्रेस पे या उनके जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जल्दी हो सके सेकेंड हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस टीचिंग एट मस्ट बी रेलिवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर बींग थाट दे शुड डायरेक्टली स्पोर्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिवज एंड क्लोजली अलाइंग विद द सर्कुलम दिस प्रिंसिपल इंश्योर डेट द एड्स यूज आर नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग बट आल्सो सर्व अ स्पेसिफिक एजुकेशन पर्पज बाई यूजिंग रेलिवेंट टीचिंग एड्स एजुकेटेड कैन कैप्चर स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस मोर मीनिंगफुल सेकेंड हमारे पास प्रिंसि ऑफ रेलिवेंस के जो भी चीज़ आप टीचिंग एड्स में यूज करें वो सब्जेक्ट के रेलिवेंट हो उस जरिए उनके लर्निंग ऑब्जेक्ट जल्दी से वो समझ सके बिल्कुल वो डायरेक्ट जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ वो रेलिवेंट हो आगे पीछे ना हो ये हमें टीचिंग एड जो होते हैं है ना इंश्योर करते हैं कि ना सिर्फ सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो बट उसके कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस भी हो आगे पीछे चीज़ को नहीं लेके जाना चाहिए डायरेक्ट रेलीवेंट चीज़ को करना चाहिए Third, Amarpas principle of variety, utilizing a variety of teaching aids, caters to different learning styles and preferences among students. This principle encourages teachers to incorporate different types of aids, such as visual, auditory, and kind aesthetic resources. By providing diverse material, educators can engage all students and accommodate their unique ways of learning. Variety keeps the classroom dynamic and helps maintain student interest throughout the lesson. के प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग में बहुत सारी वराइटी यूज़ करनी चाहिए टीचिंग एड में डिफरेंट लैंग्वेज में स्टाइल में प्रेफरेंस में स्टूडेंट्स को इंगेज करने के लिए इससे ये होता है जो टीचर्स होती है वो इनकरेज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स एड्स को विजुअल हो जाए एडिटरी हो गए हो जाए तो इस तरह के जो वैरायटी यूज़ करते हैं वो स्टूडेंट को इंगेज करने में हेल्प देती थी Fifth, fourth our principal is principle of engagement teachers teaching aids should actively involve students in learning process the principle highlight the importance of interactive and participatory aids that encourage students to engage with the content for example using hand-on activities group discussion and technology based tools can foster collaboration and critical thinking when students are engaged they are more likely to retain information and develop a deeper understanding of the subject matter फिर जो प्रिंसिपल ऑफ इंगेजमेंट होता है उसमें जो टीचिंग एड होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट के लर्निंग प्रोसेस में ये इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं और ये पार्टिसिपेटरी एड्स होते हैं जो स्टूडेंट को इंक्रेज करते हैं कि वो कंटेंट में हिस्सा लें इसमें ये होता है हैंड आउट एक्टिविटीज होती हैं ग्रुप डिस्कशंस होती हैं स्टूडेंट के मांग तो स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इन कंक्लूजिंग एड्स आर असेंशियल टू डेट एनहेंस द एजुकेशन पर लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड एफेक्टिंग बाई एडहेरिंग टू द प्रिपल्स ऑफ क्लैरिटी रैली मैं स्वर एंगेजमेंट टीचर कैन क्रिएट अ मोर इन रिचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट डेट स्पोर्ट्स द डाइवर्स नीड ऑफ द स्टूडेंट क्योंकि टीचिंग एड्स होती है टूल्स होती हैं एजुकेशन परपज़ में और ये जो लर्निंग होती है उसको मोर इफेक्टिव बनाती हैं इन प्रिंसिपल्स के थ्रू टीचर्स जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल हो होता है तो ये थी आप, ये, ये थी आपकी असाइनमेंट उम्मीद आपको असाइनमेंट अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़